हिंदी में क्या हो रहा था, इंग्लिश में अब क्या हो रहा था, इसको समझो। हिंदी में उसी समय क्या हो रहा था, हिंदी में जो स्क्रिप्ट बनाए गए मतलब जो साउंड्स को स्क्रिप्टेड किया गया उनको अक्षर बना दिया गया और उन्हीं को लेटर बोलते हैं। तो वो साउंड्स जो है लेटर्स के फॉर्म में कंपाइल किए गए और उन्हीं का बना दिया गया क्या, वर्ड माला। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे आप अल्फाबेट। अल्फाबेट यह नहीं है। इस हिंदी में क्या हो रहा था, हिंदी में जो लेटर्स कंपाइल किए गए, जो मतलब इकट्ठा किए गए, जो वर्णमाला बनाई गई, जितने अक्षर बनाए गए, इनका यूज आप स्पेलिंग करने के लिए, राइटिंग के लिए और प्रोनंसिएशन के लिए। इसके लिए स्पेलिंग के लिए, राइटिंग के लिए और प्रोनंसिएशन, तीनों के लिए आप इसी एक अल्फाबेट का इस्तेमाल करते थे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कलम, तो इसको कैसे साउंड करेंगे, स्पेलिंग कैसे करेंगे, क खाली, ल खाली और म खाली। तो क ल म और साउंड निकला क ल म, ठीक है। तो हमने जैसा स्पेलिंग किया, जैसा लिखा है वैसा ही स्पेलिंग किया और वैसा ही उच्चारण भी किया। इंग्लिश में उस समय इनका जो इंग्लिश का डेवलपमेंट था थोड़ा दूसरे तरीके का था। उनका जो साउंड जो उन्होंने कंपाइल करा, उन्होंने अभी आज के हिसाब से उनमें 44 लेटर्स हुए और उनको उन्होंने नाम दिया फोनेटिक अल्फाबेट। उसमें 44 साउंड्स को पकड़ करके उसका सिंबल बना करके उन्होंने इसमें फोनेटिक अल्फाबेट में रखा। इसका यूज क्यों करते थे सब लोग, किस लिए इसका यूज वो लोग करते थे, प्रोनंसिएशन के लिए। यही जो फोनेटिक अल्फाबेट है यही बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ा जाता, लिखने के लिए और स्पेलिंग के लिए उन्होंने एक अलग ही सिस्टम बनाया, उसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, उसी में 26 लेटर्स होते हैं जो आप पढ़ते हो किसके तरह से, ए बी सी और ये किस लिए काम आते हैं, ये आते हैं राइटिंग और स्पेलिंग में ही। तो ये जो अल्फाबेट बना इसका यूज इंग्लिश में स्पेलिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है, और ये जो फोनेटिक अल्फाबेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, प्रोनाउंस करने के लिए शब्दों को। अब एग्जांपल देखो, हमने एक शब्द लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, इसको हम क्या पढ़ें, इसको सी, इसको ए ई और इसको ट। तो कायदे से क्या हो गया, सी ए इट, सी ए इट, सी ए इट तो नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, कैट, है ना। आप इसको क्या पढ़ते हो, हाँ क्या पढ़ते हो, स्पेलिंग करो इसको, सी ए, उसके बाद मान लो आर ही पूरा ले लो, इसको क्या पढ़ेंगे, सी ए आर, सी ए आर। इसका उच्चारण क्या पढ़ते हो अभी, ऐसे ही आप साउंड के बारे में मान लो नहीं जानते हो, इसका उच्चारण क्या करोगे, तो आपने कैसे लिखा, क बड़ा आ का मात्रा और ऐसा प्रोनाउंस किया ना, इसी सी ए आर की तरह तो सी ए टी भी लिखा है, इसका उच्चारण क्या करते हो आप, यानी कि क और ए और अब यहीं पे इस ए के लिए आप आ इस्तेमाल कर रहे हो और इसी ए के लिए आप यहाँ पे ए इस्तेमाल, इतना अंतर क्यों हो रहा है, आ रही बुद्धि में बात कुछ, आप ही पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको आपने का क्यों पढ़ा और उसको कैट क्यों पढ़ा, जबकि सी ए आ है और सी ए टी है, इतना ही तो अंतर हो रहा है, लेकिन इसमें ए को ए बना दिया, इसमें ए को आ बना दिया आपने, इतनी नाइंसाफी क्यों, बोलो कोई जवाब दे। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि उनका प्रोनंसिएशन का हिसाब किताब कुछ और है और लिखने और स्पेलिंग का हिसाब किताब कुछ और है, इसीलिए इतनी नाइंसाफी है। तो इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अभी इसको प्रॉब्लम की तरह ना लो, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसीलिए आप लोग यहाँ आए हो, इसका इसका इसको एक जानकारी की तरह लो। जानकारी आज अभी क्या मिली आपको, कि इंग्लिश में, इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के लिए अलग उनका सिस्टम है, उनका एक अलग अल्फाबेट ही है, उस अल्फाबेट को बोलते हैं फोनेटिक अल्फाबेट, ये हम लोग पढ़ेंगे, और लिखने के लिए और स्पेलिंग के लिए उनके पास एक अलग अल्फाबेट है, उसको हम नॉर्मल जो हम अल्फाबेट ए बी सी डी जेड तक पढ़ते हैं वो है।